हेलो दोस्तों नमस्ते आदाब सत आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर पे वार जहाँ पर हम लोग करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल जो आपके एसएससी रेलवे और किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सभी को भर भर के गुड मॉर्निंग तो दोस्तों आज है सोमवार तो दोस्तों करेंगे एक नए दिन की शुरुआत एक नए जोश के साथ

जो आप कह सकते हैं वह है हाथी मतलब दोस्तों शब्द तो एक क्या है एक छोटी सी चीज है आप कभी भी कह दोगे कुछ भी कि हाँ मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा लेकिन जब आप कह के और उसको करते हो तो वो सबसे बड़ी चीज होती है ठीक है तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आपको क्या करना है फाइट करना है आपने जो भी सपने देखे हैं ठीक है थीके? सिर्फ कहने से नहीं होगा कहते ना दोस्तों जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं तो हमें दोस्तों गरजना नहीं है हमें बरसना है ठीक है और उसके लिए हमें करनी होगी मेहनत इसलिए हम लोग डेली मिलते हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे जहां पर हम लोग करते हैं करेंट अफेयर के सारे सवाल ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ और आज है दोस्तों इंपॉर्टेंट डे इंपॉर्टेंट डे मतलब 20th मार्च 20th मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं वर्ल्ड यहां पे ओरल हेल्थ डे क्या मनाते हैं वर्ल्ड वह है वर्ल्ड हैपीनेस डे ठीक है और थर्ड जो है वर्ल्ड स्पैरो तो तीन दोस्तों इंपॉर्टेंट डे जो है ट्वेंटी को मनाया जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे सेकेंड है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और थर्ड है वर्ल्ड स्पैरो हम लोग कहते हैं हिंदी में गोरैया राइट चिड़िया को गोरैया कहते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे और दोस्तों होमवर्क देखेंगे दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए थे होमवर्क पहला क्वेश्चन यह था कि विच कंट्री होल्ड्स द करेंट प्रेसिडेंसी ऑफ द एस एस की वर्तमान अध्यक्षता किस देश के पास है सेकेंड होमवर्क था इन विच कंट्री इज क्रेडिट सुसेस सुडक्वार्टर लोकेटेड क्रेडिट सुसेस का जो मुख्यालय है वो किस देश में स्थित है ये आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था इसके आंसर आपके सामने ये रहा अभी दोस्तों एस की जो अध्यक्षता है मतलब वो किसके पास है इंडिया के पास है ठीक है और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा क्या हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा ये आपके आंसर है तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सभी लोग क्या करेंगे यस टाइप करेंगे जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है आप लोगों के लिए और आप लोग तैयार हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए सो दैट कि दोस्तों प्रीवियस डे के भी रिवाइज होता रहे हर एक दिन पे ठीक है चले तो यहाँ पे यस 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 तो पहले क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट अमाउंट हैज इंडिया अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर भारत ने सैन्य हार्डवेयर के अधिग्रहण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है पचास हजार या पैंसठ हजार पांच सौ सत्तर हजार पांच सौ और साठ हजार करोड़ कितना किया है दोस्तों सत्तर हजार पांच सौ हशीरमा राहुल सुष्मिता इंद्रपाल कुमार ब्रजेश तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सत्तर हजार पांच सौ करोड़ हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हॉस्टेड बी ट्वेंटी मीटिंग अंडर इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी किस राज्य ने भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता के तहत बी ट्वेंटी बैठक की मेजबानी की है न्यू दिल्ली उत्तर प्रदेश आसम या सिक्किम क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे सृष्टि कह रहे सर सिक्किम होना चाहिए विमल कह रहे सर सिक्किम होना चाहिए कामिनी ओके सुजीत बहुत ही बढ़िया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा सिक्किम की कैपिटल क्या है गैंगटॉक है क्या है गैंगटॉक है और वहां के सी कौन है सीएम याद रखेगा पी तमांग है कौन है पी तमांग है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा हु इज द न्यू सीईओ ऑफ टीसीएस दोस्तों टीसीएस के नए सीईओ कौन है आर गोपीनाथन या फिर के वसन या फिर नटराजन चंद्रशेखरन एन गणपति सुब्रमण्यम कौन है दोस्तों यहां पे के के कह रहे हैं मतलब के कृति वसन के साथ जा रहे हैं तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएंगे के कृथिवासन करेक्ट आंसर हो जाएंगे पह, किसको रिप्लेस करेंगे ये आर गोपीनाथन जी को रिप्लेस करेंगे राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे टू होम डिड प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट्स कलर राष्ट्रपति मुर्मू ने किस प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया किसे किया है द्रोणाचार्य विक्रांत विराट और कावरती किसको किया है यहाँ पे द्रोणाचार द्रोणाचार ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आई एन एस द्रोणाचार इज दी करेक्ट आंसर ठीक है अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन वेयर विल दी ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड ऑन एटीनथ मार्च 2023 18 मार्च 2023 को वैश्विक बाजरा सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली में गुजरात में राजस्थान में या फिर केरला में कहां पे किया जाएगा दोस्तों न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में किया जाएगा और न्यू दिल्ली के दोस्तों हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे तो ये भी आपको ध्यान रखना है वो थे विनय कुमार सक्सेना जी कौन विनय कुमार सक्सेना जी इनका नाम ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विथ इंडिया एक्सरसाइज ड्रैगन 2023 अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है चाइना यूएसए फ्रांस और रसिया किसने लिया है यूएसए कह रहे हैं मंगेश कुंदन राहुल ओके टू टू ओके विकास बहुत ही बढ़िया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए यूएसए की कैपिटल क्या है वॉशिंगटन डीसी है क्या है वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो जॉ बिडेन है कौन है जो बिडेन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और कमला हैरिस जो है यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा हु अटेंडेड दी ट्वेंटी सिक्स कॉन्वोकेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दोस्तों राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के छब्बीसवें दीक्षांत समारोह में किसने भाग लिया है सर्वानंद सोनोवाल हेमंत बिश्वा शर्मा मानिक शाह और अरविंद केजरीवाल किसने लिया है सर्वानंद सोनोवाल कह रहे हैं नम्रता सुजीत नेहा शोभा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे करेक्ट आंसर इंद्रपाल बहुत ही बढ़िया करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वानंद सोनोवाल जी करेक्ट आंसर होंगे और सर्वानंद सोनोवाल जो है आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं ये आपको याद रखना है आयुष का फुल फॉर्म हमने देखा था ए से क्या हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा क्या हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा वाई से योग हो जाएगा यू से यूनानी हो जाएगा एस से सिद्ध हो जाएगा और एच से होम्योपैथी हो जाएगा ठीक है तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन इन अंडर 21 ग्रुप टू स्विम अक्रॉस द पाक स्टेट फ्रॉम तलाई मन्नार इन श्रीलंका टू धनुष कोडी इन तमिलनाडु ऑन सेवेंटी मार्च 2023 कौन सत्रह मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुष कोडी ए, uh, तक पाक जल्द मरू मध्य को अंडर ट्वेंटी समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं आदिति अशोक या संपन्ना रमेश सेलार शिव श्रीधर और अनाहत सिंह जल्दी से बताइए यहां पे कह रहे सर होने चाहिए ऑप्शन नंबर संपन्ना संपन्ना तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे संपन्ना रमेश शैलार करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा बीन अपॉइंटेड एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूको बैंक इन मार्च 2023 मार्च 2023 में यूको बैंक के प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दीपक मोहंती अमिताभ मुखर्जी राजेश मल्होत्रा और अश्विनी कुमार किसको किया गया है जल्दी से बताइए यहाँ पे अमिताभ कह रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे अश्वनी कुमार जी हो जाएंगे अश्वनी कुमार जितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले फटाफट सभी लोग क्या करेंगे एक बार लाइक like और शेयर करते हुए चलेंगे अगला क्वेश्चन आपके लिए डर ऑफ लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड इन मार्च दो हजार तेईस ठीक है मार्च दो हजार तेईस में लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसी नियुक्त किया गया है निखत जरीन विराट कोहली प्रसन्न जोशी और सोनू सूद किसको किया गया है विराट कोहली विराट कोहली तो विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर विराट दोस्तों नॉइस जो है दोस्तों नॉइस कंपनी उसके भी ब्रांड एम्बेसिडर है निखत जरीन को दोस्तों एनएमडीसी का एनएमडीसी का दोस्तों क्या बनाया गया था इन्हें ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया था प्रसुन्न जोशी जो है ये उत्तराखंड के कहाँ के उत्तराखंड के दोस्तों ये बने हैं ब्रांड एम्बेसिडर और पुमा इंडिया की कौन बनी है पूमा इंडिया की ध्यान रखेगा आपको हरमनप्रीत कौर कौन बनी है हरमन प्रीत कौर बनी है ये आपको ध्यान रखना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन विच ऑफ अवार्ड फॉर एयरपोर्ट इन इंडिया संगठन स्काई ट्रैक्स द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां पर ए ऑप्शन ए ऑप्शन वेरी गुड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है द द नेशनल गैलरी ऑफ ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड हाई कमीशन कंट्री इन न्यू दिल्ली एग्जीबिशन जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर ऑन सेवनटीन मार्च ट्वेंटी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और नई दिल्ली में किस देश के दोस्तों उच्चोग ने 17 मार्च 2023 को जेफरी बाबा इज Uh, uh, प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल और भूटान जल्दी से बताइए श्रीलंका श्रीलंका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर श्रीलंका की कैपिटल क्या है दोस्तों जयवर्धने कोटे जयवर्धने कोटे जो है वहाँ की कैपिटल है और वहाँ के दोस्तों पीएम एम दोस्तों कौन सॉरी प्रेसिडेंट कौन है जल्दी से बताइए प्रेसिडेंट सभी लोग बताएंगे फटाफट -फड़ से ठीक है और ये याद रखिएगा की कैपिटल क्या है ढाका है क्या है बांग्लादेशी कैपिटल ढाका है नेपाल की कैपिटल काठमांडू है क्या दोस्तों काठमांडू है और भूटान की कैपिटल क्या है थिम्पू है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलें आगे वेरी गुड आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा द गवर्नर ऑफ विच सेंट्रल बैंक हैज द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 बाय द इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ऑन सेवनटीन मार्च 2023 किस सेंट्रल बैंक के गवर्नर को 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग का गवर्नर ऑफ द ईयर ट्वेंटी का पुरस्कार दिया गया है यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्विस नेशनल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आरबीआई आरबीआई तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट होगा जिसके दोस्तों गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास जी कौन है शक्तिकांत दास जी है और ये कौन से नंबर के हैं तो ट्वेंटी फिफ्थ नंबर के हैं गवर्नर ये भी आपको ध्यान रखना है

57, 57, तो करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर क्या हो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा? जाएगा पे दोस्तों इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 17 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के, के कि, लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है फाइव परसेंट एट परसेंट टेन परसेंट और ट्वेल्व परसेंट कितना रखा है टेन परसेंट बहुत ही बढ़िया करेक्ट आंसर हो टेन परसेंट रखा है अच्छा सी आई एस एफ डे ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई सी एम आर अप्रूव टेस्ट किट डेवलप बाई द क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजी इट कैन डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एच वन एन वन कोविड नाइनटीन या रेस्पिरेटरी, आ, आ, सिंसिशियल वायरस वन टू टू थ्री वन थ्री या ऑल वन टू थ्री करेक्ट होगा फटाफट बताइए और दोस्तों टू फिफ्टी लोग यहां पर लाइव हैं जल्दी जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करते हुए थ्री फिफ्टी के ऊपर लेके चलते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल इज दी करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन आपके लिए यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला विल इनोग्रेट द फेज फोर ऑफ सागर परिक्रमा इन विच स्टेट ऑन 18 मार्च 2023. ट्वेंटी थ्री यहां पर पूछा गया केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला 18 मार्च 2023 को किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन करेंगे गुजरात उड़ीसा गोवा और कर्नाटका कहाँ पे करेंगे यहां पे कह सर कर्नाटका कर्नाटका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कर्नाटका इज दी करेक्ट आंसर ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं तो दोस्तों यहां पे ये थे इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रीवियस डे के क्वेश्चन जो हमने रिवीजन के हैं लेकिन अब हम यहां पर करेंगे टॉप फाइव न्यूज ऑफ द डे मतलब आज की पांच मुख्य समाचार जो कि आपके लिए एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ में आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है तो चलिए नजर डालते हैं इन पांच पॉइंट्स पर तो पहला पॉइंट जो है वो ये रहा रचना बिस्ट रावत रचना बिष्ट रावत कम्स अप विथ हर न्यू बुक ऑन बिपिन रावत ठीक है रचना बिष्ट रावत की जो एक किताब आने वाली है वो किस पे है दोस्तों बिपिन रावत जी पे है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट जो है वो है गवर्नमेंट टू डेवलप मेगा टेक्सटाइल पार्क इन सेवन स्टेट एट कॉस्ट ऑफ रुपीज फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी फाइव करोड़ अंडर

इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम मेघालय राज्य को पहली बार दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है यहां पे मिला है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला जो है जी टी आई दो हजार तेईस रिलीज ठीक है ग्लोबल टेरिसम इंडेक्स जो होता है उसको रिलीज कर दिया गया है तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालेंगे हेडलाइंस पे हेडलाइंस दोस्तों अखबारों में आपने समाचार देखे होंगे उनके टॉप पर जो हेडलाइंस होते हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है फॉर एस एस सी एंड रेलवे एग्जाम ठीक है तो अब यहाँ पर हम लोग उसको कवर करेंगे एक-एक हेडलाइन पर नजर डालेंगे अच्छे से नजर देखिएगा दोस्तों क्योंकि यहां पर आपको क्विज भी दिया जाएगा इसी पे ठीक है पहला दोस्तों हेडलाइन ये रहा बीपीसीएल ने जी कृष्ण कुमार को अपना अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है किसको जी कृष्ण कुमार को किसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार भारत को पच्चीस सबसे खराब आतंकवाद प्रभावित देशों में सूचीबद्ध किया गया था ठीक है ये याद रखेगा पच्चीस खराब देशों में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है हेडलाइन मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर आ, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है किसने किया मणिपुर के राज्यपाल ने चलिए आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन जो है वह है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और तीन नए संभागों की घोषणा की है कितने 19 डिस्ट्रिक्ट एंड थ्री जो है डिवीजन याद रखेगा आगे बढ़ते हैं अगला जो है हेडलाइन वो है दोस्तों यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पोलैंड पहला नाटो देश होगा ठीक है याद रखेंगे कौन सा दोस्तों यूक्रेन को कौन प्रोवाइड करेगा लड़ाकू विमान वो करेगा पोलैंड ठीक है और जो कि एक नाटो का मेंबर है आगे बढ़ते हैं नियोट नियोट लक्षद्वीप में हरित व संचालित विल विलवीकरण स्थापित करेगा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगला जो है मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है ठीक है मेघालय को अगला दोस्तों आपके ले लिए रहा लेखिका रचना बिस्त रावत ने अपनी नई पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म लॉन्च की है क्या दोस्तों मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट दोस्तों है, डेवलपमेंट प्रोसेस के हिस्से के रूप में कम्युनिटी बॉन्ड टास्क फोर्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों यहां पर तो नाम याद रखेगा आपसे पूछा जा सकता है अरुण अग्रवाल जी को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जिसको हम लोग कहते हैं ने केरल में कोची निगम को सौ करोड़ रुपए के पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है ठीक है एनजीटी ने आगे बढ़ते हैं अगला जो हेडलाइन है, है मार्च 2023 में अभिनेता लांस रेडिक का निधन हो गया किसका लांस रेडिक जो जो कि दोस्तों एक एक्टर थे उनका जो है निधन हो गया है आगे बढ़ते हैं अगला हेडलाइन है जो है 17 मार्च 2023 को हरिद्वार में आयुर्वेद आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंत राष्ट्रीय आयुर्वेद आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है ठीक है? अगले हेडलाइन जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है सात पीएम मित्र पीएम जो पीएम मित्र का फुल फॉर्म है पीएम मेगा आ, दोस्तों इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप, आ, अपैरल मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा कितने राज्यों में सात राज्यों में राइट चले आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट हेडलाइन अब लेकिन दोस्तों इन हेडलाइंस पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो हम यहां पर करेंगे लेकिन उससे पहले बताएंगे हाउ इज द जोश अगर हाई है तो हाई लिख के यस करेंगे जिससे हम लोग दोस्तों यहां पे क्विज के लिए तैयार हो जाएंगे और मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग क्विज को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले क्योंकि हेडलाइन अच्छे से देख लिए तो यस 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 हाय हाय तो चले तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीएससीएल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है क्या वो गुरदीप सिंह जी को किया गया है के श्रीकांत जी को जी कृष्ण कुमार को और वाई के चौबे जी को किसको किया गया है जी कृष्ण कुमार जी कृष्ण कुमार तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे जी कृष्ण कुमार को किया गया है नियुक्त ठीक है चले आगे बढ़ते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 17 मार्च 2023 को जी कृष्ण कुमार को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है वह वर्तमान में अभी कंपनी में जो है वह कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है ठीक है कृष्ण कुमार संगठन के यहां पे अगर हम बात करें ग्राहक केंद्रित उद्यमों को सुविधा खुदरा बिक्री प्रीमियम ईंधन और कंपनी में नई तकनीक और डिजिटल पहलों को नेतृत्व करते हुए बीपीसीएल से जुड़े हुए हैं ठीक है ठेके? अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर द थ्री रिफाइनरीज ऑपरेट्स बाय बीपीसीएल दोस्तों यहां पर आपको बताना है कौन सी तीन जो है रिफाइनरी जो कि ऑपरेट किए जाते हैं बीपीसीएल के द्वारा सभी लोग फटाफट से बता देंगे जल्दी जल्दी से दोस्तों यहाँ पे नहीं आया है चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जो तीन इनकी रिफाइनरी जो कि ऑपरेट की जाती है बीपीसीएल के द्वारा एक तो बीना बीना रिफाइनरी है ठीक है उसके अलावा कोची रिफाइनरी है कौन सी है कोची रिफाइनरी है और तीसरी है मुंबई रिफाइनरी कौन सी है मुंबई रिफाइनरी है जो कि दोस्तों बी के द्वारा ऑपरेट की जाती है बी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों बी का तो याद रखेगा भारत पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम 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 कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है याद रखेंगे इसके बाद दोस्तों पूछा जाएगा इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था तो 1952 में इसको एस्टैब्लिश किया गया उन्नीस में हेड क्वार्टर हेडक्वार्टर कहाँ पर है हेड क्वार्टर है मुंबई में कहाँ पर हेड क्वार्टर है मुंबई में है ये याद रखेगा और जी कृष्ण कुमार जी जो है दोस्तों इसके क्या बन गए हैं दोस्तों चेयरमैन बन गए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो बीना कोची और मुंबई जो है दोस्तों तीन रिफाइनरी है जो कि ऑपरेट की जाती है बीपीसीएल के द्वारा अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर पाई गई थी ठीक है पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर पाई गई थी तो आपको आंसर देना है दिग्बोई में कहाँ पे दिग्बोई और दिग्बोई कहाँ पर है असम में है कहाँ पर है दोस्तों असम में है ये आपको ध्यान रखना है असम की कैपिटल क्या है दिसपुर है क्या है दिसपुर है तो ये याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स जी टी आई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है इंडिया अफगानिस्तान यमन और पाकिस्तान कौन सा है इंडिया 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 कह रहे दोस्तों यहां पे इंडिया दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित दोस्तों अफगानिस्तान है इंडिया दोस्तों पच्चीस जो दोस्तों वो कंट्री है उनमें दोस्तों उसका नाम है लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित नहीं है अफगानिस्तान यहां पे करेक्ट आंसर होगा कंफ्यूज मत होगा दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ठीक है चलिए आगे बढ़ते दोस्तों यहां पे आपको लिस्ट देखने को मिल रही है कंट्रीज के नेम दिए गए हैं उनके स्कोर दिए गए हैं ठीक है ठीके? और दोस्तों यहां पे रैंक उनकी दी गई है और रैंक में अगर कोई चेंजेस हुआ है तो वो बताया गया है यहां पर आपको तो चलिए एक एक नजर डालते हैं पहले पहले देखिए देख अफगानिस्तान जो है वो टॉप पर है ठीक है सबसे ज्यादा प्रभावित है यह पहले भी था और अभी भी है तो कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें ठीक है यह उसी स्थान पर बना हुआ है स्कोर आपको दिया गया ठीक है सेकेंड है इराक इराक भी दोस्तों कोई चेंजेस नहीं है सोमालिया में भी कोई चेंजेस नहीं है बुर्किना फासो जो है दोस्तों ये दो रैंक नीचे आ गया है ठीक है टू रैंक नीचे आ गया है सीरिया जो है ये दोस्तों बना हुआ है सेम पे नाइजेरिया जो है दोस्तों ये दो नंबर ऊपर आ गया है ठीक है और माली जो है वो दोस्तों सेम है नाइजर चार नंबर नीचे है हैं म्यांमार जो है पंद्रह नंबर नीचे है पाकिस्तान जो है दो नंबर ऊपर कैमरून जो है दोस्तों सेम है और इंडिया जो है दो दोस्तों पोजीशन रैंक जो है चेंज हुई है इंडिया की ठीक है तो आपको याद रखना बारहवें नंबर पर अभी क्या कौन है दोस्तों इंडिया है ये आपको ध्यान रखना है तो 25 प्रभावित देशों में से एक देश जो है वो भारत भी है लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा है अफगानिस्तान है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पे पूछा गया है व्हाट इज द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान अफगानिस्तान की करेंसी क्या है वो आपसे पूछी गई है जल्दी से बताइए फटाफट से यहां पे अफगानिस्तान की करेंसी क्या है यहाँ पे कह रहे हैं सर होना चाहिए अफ़ग़ानी अफ़ग़ानी जितने लोग अफगानी कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अफगानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अफ़ग़ान अफगानी बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं अफ़ग़ान अफग़ानी ठीक है अफ़गान, इसकी करेंसी है ये आपको ध्यान रखना है अगर मैं बात करूँ कैपिटल क्या है तो कैपिटल है काबुल क्या है कैपिटल है काबुल ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अच्छा दोस्तों अफगानिस्तान सार्क का मेंबर है ठीक है मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर सार्क ठीक है तो आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान जो है इसका मेंबर है अफगानिस्तान इसका मेंबर कब बना था तो 2007 में 2007 में बना था अफगानिस्तान जो है दोस्तों इंडिया के साथ बॉर्डर साझा करता है इंडिया और अफगानिस्तान बॉर्डर साझा करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं डूरंड लाइन कहते हैं या फिर डूरंड बॉर्डर कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है और ये सबसे छोटी सीमा है एक किलोमीटर की कितनी है दोस्तों एक किलोमीटर की सीमा है ये भी आपको ध्यान रखना है ये पूछ लिया जाता है अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही थी तो इंडेक्स की मैं बात करता हूँ तो भारत का दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ध्यान दीजिएगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर हम रैंक देखते हैं तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 थी ये आपको ध्यान रखना है ये पूछा जा सकता है हैप्पीनेस इंडेक्स में हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी दोस्तों तो 136 थी ये भी आपको याद रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें कितनी थी दोस्तों ये आप लोग होमवर्क लिख लीजिए कमेंट करके बताइएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी थी ये आपको बताना है आई में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में दोस्तों फोर्टी रैंक थी इंडिया की आउट ऑफ फिफ्टी कंट्री ठीक है ये आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़े वेरी गुड यहां पे सब लोगों ने आंसर भी दे दिया है लेकिन दोस्तों ये होमवर्क है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों लेकिन उससे पहले हम हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ठीक है आई ई पी द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक फॉर पीस पब्लिश द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है या कौन पब्लिश करता है तो आपको नाम ध्यान रखना आई ईपी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस करता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अच्छा दोस्तों ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखिएगा स्टीव किलिया किलिलिया केलिया कि, कि, किस के किसके द्वारा स्टीव किलिलिया के द्वारा किया गया था जो कि एक एंटरप्रेन्योर थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंस 2000 2000 सिंस 2000 द इंडेक्स हैज प्रोवाइडेड थ्रो ओवरव्यू व्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेंड्स ओवर टाइम इन टेरेंस दोस्तों टेरिस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं तो ये 2000 से दोस्तों ये पब्लिश कर रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है सिंस 2000 ठीक है चले आगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवर्टलाइजिंग एनवायरमेंट एंड रेजिलिएंट एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट किस राज्य ने नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवर्टलाइजिंग एंड एनवायरमेंट एंड रेजिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है उड़ीसा असम मणिपुर और केरला किसने किया दोस्तों यहां पर सर मणिपुर होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहेंगे ठीक है दोस्तों जितने लोग यहां पर कह रहे हैं मणिपुर मणिपुर उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों मणिपुर के राज्यपाल सुश्री यूके ने 27 सॉरी 17 मार्च 2023 को मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिफर्टिलाइजिंग एनवायरमेंट एंड रेजिलियंट एग्रीकल्चर थीम पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है ठीक है किसने किया दोस्तों वहां की राज्यपाल जो है अनुसुईया यूके ने तो आपको याद रखना मणिपुर

फटाफट से बताइए यहां पे सभी लोग बताएंगे एन बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं चले जितने लोग एन बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एन बीरेन्द्र सिंह यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये आपको ध्यान रखना है नाम ठीक है अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाइए तो दोस्तों सीएम हो गए वहां के राइट सीएम हो गए आपसे गवर्नर पूछा जाएगा तो अभी आपने देखा अनुसुईया यूके क्या दोस्तों अनुसुईया यूके जो कि है वहाँ की गवर्नर है ठीक है इम्फाल की अगर सॉरी मणिपुर की बात करूँ तो इसकी कैपिटल क्या है इम्फाल है क्या है इम्फाल इसकी कैपिटल है दोस्तों अगर हम मणिपुर की बात करें इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया था 1972 में 1972 में इसको दर्जा दिया गया था कितने इसमें दोस्तों जिले हैं तो 16 जिले हैं कितने हैं 16 जिले हैं ये आपको याद रखना है 16 डिस्ट्रिक्ट्स है ये भी आपको याद रखना है दोस्तों मणिपुर को ही स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा गया है क्या कहा गया है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा गया है ठीक है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया और ये किसने कहा था तो ये दोस्तों लॉर्ड अरविंद ने कहा था किसने कहा था लॉर्ड अरविंद ने कहा था ये आपको ध्यान रखना है ठीक है लॉर्ड अरविंद ने क्या कहा था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों मणिपुर को क्या कहा है ज्वेल ऑफ द इंडिया ठीक है क्या कहा है ज्वेल ऑफ द इंडिया कहा है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है मणिपुर में ही दोस्तों आपको क्या मिलेगा लोकटक लेक मिलेगा राइट मणिपुर में ही आपको लोकटक लेक मिलेगा ठीक है लोकटक लेक ठीक है और दोस्तों आपको विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्र उद्यान या फिर जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्लोटिंग नेशनल पार्क कीबुल लामजो कीबुल लामजो भी आपको यहीं पर मिलेगा क्या मिलेगा कीबुल लामजो कीबुल्लामजो लामजो नेशनल पार्क जो है ये फेमस क्यों है तो लामजो नेशनल पार्क जो है ये डांसिंग डियर के लिए दोस्तों नाचने वाले हिरण के लिए ये फेमस है वहाँ पे आपको डांसिंग डियर मिलेंगे इसलिए ये बहुत फेमस है ये आपको ध्यान रखना है ये आपसे कई बार पूछा गया लामजो कहाँ पर है ये आपसे याद रखना है ठीक है यहाँ पर दोस्तों कुछ त्यौहार है जैसे कि लाई हरोबा चेरोबा ये सब दोस्तों मनाया जाता है ठीक है जैसे कैसे दोस्तों फेस्टिवल याद रखेगा बहुत बार पूछा गया फेस्टिवल लाई हरोबा ठीक है लाई चरोबा ये सब दोस्तों कहा के मणिपुर के ही हैं ये आपको याद रखना है कच्चाई लेमन ही लेमन ठीक है ही लेमन ये भी याद रखेंगे ठीक है तो ये कुछ है, इस तरीके से प्रश्न पूछ ले जाते जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे वेरी गुड कालिया गीता सिमरन चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों यहां पर आपको मैप में दिखाया गया है किस तरीके से ठीक है तो आप देख सकते हो किससे किससे लगा हुआ है नागालैंड से लगा है मणिपुर असम से लगा है मिजोरम से लगा है ठीक है तो तीन राज्यों से आप लगा हुआ है मेनली थ्री स्टेट से लगा हुआ है कौन कौन से असम असम मिजोरम मिजोरम और ऊपर की तरफ दोस्तों लगा हुआ है नागालैंड ठीक है नागालैंड और दोस्तों कितने देश से लगा हुआ है तो यहाँ पे देख पाओगे एक देश से लगा है जो कि है म्यांमार क्या है दोस्तों वन कंट्री है ठीक है वन कंट्री जिसका नाम है म्यांमार ठीक है तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर जो है तीन राज्यों से लगा है असम मिजोरम और नागालैंड से और दोस्तों एक देश से लगा हुआ है जिसका नाम है म्यांमार ठीक है म्यांमार की कैपिटल क्या है नाइपी ताओ है क्या है दोस्तों नाइपी ताओ इसकी कैपिटल है ये याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड थ्री न्यू डिवीजन इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट किस राज्य ने निम्नलिखित तो में से किस राज्य में 19 नए जिले और तीन नए मंडलों की घोषणा की है उत्तराखंड राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश किसने किया है राजस्थान राजस्थान तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे डेजर्ट स्टेट गेट्स इमेज दोस्तों राजस्थान को डेजर्ट डेजर्ट स्टेट कहते हैं ठीक है क्योंकि वहां पर आपको ग्रेट इंडियन देखने को मिलता है क्या मिलता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं थार डेजर्ट कहते हैं क्या कहते हैं थार डेजर्ट कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है राइट अच्छा यहाँ पे दोस्तों आपको जो 19 डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम दिए गए हैं कि कौन से नौ जिले जो है बनाए गए हैं तो तो वो तो हम बाद में देखेंगे लेकिन जो न्यू डिवीजन है वो एक बार सुन लीजिए एक तो बांसवाड़ा को न्यू डिवीजन बनाया गया है ठीक है पाली को बनाया गया है और सिक्कर को किसको दोस्तों जितने भी लोग राजस्थान के तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्जाम की उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ठीक है इसलिए मैंने कहा था दोस्तों जो हम लोग करंट अफेयर करते हैं ये एस रेलवे के लिए तो है ही खासकर स्टेट के लिए भी है दोस्तों क्योंकि वो स्टेट के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर किए जा रहे हैं तो बांसवाड़ा पाली और सिक्कर जो है ये नए डिवीज़न है इसके साथ साथ जो आपके नए दोस्तों जिले हैं वो है जयपुर नॉर्थ जयपुर साउथ जयपुर ईस्ट सॉरी जोधपुर ईस्ट जोधपुर वेस्ट अनूपगढ़ बालोत्र बेवार दीघ दिदवाना फिर उसके बाद गंगापुर नीमकथाना कोटपुतली खैरथल दुदू केकरी फालोदी सोलंबर संचोर और शाहपुरा तो दोस्तों ये नए जिले हैं उन्नीस जिले हैं और यहाँ पर तीन डिवीजन है तीन डिवीजन जरूर याद रखिएगा बांसवाड़ा पाली और सिकर ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हु इज दी करंट गवर्नर ऑफ राजस्थान राजस्थान के अभी दोस्तों प्रेजेंट में गवर्नर कौन है फटाफट से सभी लोग बताएंगे कमेंट करके जल्दी जल्दी से फटाफट से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा सर कह रहे कलराज मिश्र कलराज मिश्र बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कलराज मिश्र कौन है कलराज मिश्र जो है यहाँ के क्या है दोस्तों अभी गवर्नर है सीएम कौन है सीएम जो है अशोक गहलोत है कौन है अशोक गहलोत है ये आपको ध्यान रखना है यहाँ के दोस्तों कैपिटल क्या है कैपिटल तो कैपिटल याद रखेगा जयपुर है क्या है जयपुर है और जयपुर को हम लोग किस नाम से जानते हैं पिंक सिटी किस नाम से जानते हैं पिंक सिटी ठीक है दोस्तों यहीं पर जोधपुर भी बहुत फेमस सिटी है जोधपुर जोधपुर को हम लोग क्या कहते हैं सन सिटी कहते हैं क्या कहते हैं सूर्य नगरी सन सिटी कहते हैं या फिर ब्लू सिटी भी कहते हैं क्या कहते हैं ब्लू सिटी ठीक है उदयपुर उदयपुर भी आपको कहाँ पर मिलेगा राजस्थान में मिलेगा उदयपुर की अगर मैं बात करता हूँ इसको हम लोग सिटी ऑफ लेक क्या कहते हैं सिटी ऑफ लेक या फिर सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं क्या कहते हैं सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है जैसलमेर भी दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेगा जैसलमेर वो भी दोस्तों राजस्थान मिलेगा इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन सिटी क्या कहते हैं गोल्डन सिटी कहते हैं ठीक है ठेके? राजस्थान अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो ये दोस्तों लार्जेस्ट स्टेट है लार्जेस्ट स्टेट सबसे बड़ा स्टेट है ठीक है इन टर्म्स ऑफ एरिया एरिया के टर्म्स में अगर मैं बात करता हूँ लेकिन इसका सत्तर प्रतिशत जो है वो डेजर्ट ने घेर रखा है और वो कौन सा डेजर्ट है थार डेजर्ट ये भी आपको ध्यान रखना है ये पूछ लिया जाता है ठीक है राजस्थान के बारे में अगर मैं दोस्तों बात करूँ राजस्थान में बहुत सारे आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे अगर मैं जयपुर की ही बात कर लूँ जयपुर में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर आमेर फोर्ट क्या दोस्तों आमेर फोर्ट मिलेगा ठीक है जयगढ़ मिलेगा क्या मिलेगा जयगढ़ मिलेगा नाहरगढ़ मिलेगा क्या मिलेगा नाहरगढ़ मिलेगा ठीक है इसके अलावा जल महल क्या मिलेगा जल महल मिलेगा हवा महल क्या दोस्तों हवा महल मिलेगा ठीक है जंतर मंतर क्या दोस्तों जंतर मंतर ये जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं दोस्तों बात करें जंतर मंतर दोस्तों जयपुर के बात करें राजस्थान वाली ठीक है तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क भी हैं जैसे कि दोस्तों जल्दी फटाफट से बताइए केवला देव कौन सा केवला देव नेशनल पार्क है रंथम्बोर है क्या दोस्तों रंथम्बोर है ये आपको ध्यान रखना वहां के नेशनल पार्क है ठीक है सरिस्का नेशनल पार्क हो गया कौन सा हो गया सरिस्का नेशनल पार्क हो गया ठीक है सरिस्का नेशनल पार्क अच्छा दोस्तों यहीं पर एक दोस्तों खारे पानी की झील भी है जिसको हम लोग कहते हैं सांबर लेक क्या कहते हैं सांबर लेक सांबर लेक कैसा है दोस्तों खारे पानी की झील है राइट ये भी आपको ध्यान रखना है ये आपसे कुछ क्वेश्चन जो है स्टेटिक जीके में पूछ लिए जाते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा दोस्तों आप देख पाओगे राजस्थान आपको मैप में दिख रहा है

पांच राज्यों से लगा हुआ है फाइव स्टेट से लगा हुआ है और वो कौन कौन से स्टेट है दोस्तों तो पंजाब है ठीक है हरियाणा है फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश है और गुजरात है और एक दोस्तों देश से लगा हुआ है वन कंट्री से लगा हुआ है और वो कौन सा कंट्री है पाकिस्तान है कौन सा है पाकिस्तान और दोस्तों अगर हम बात करते हैं राजस्थान जो ये सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ उसको हम लोग कहते हैं सरक्रिक बॉर्डर क्या कहते हैं सरक्रिक बॉर्डर कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़े और दोस्तों जो हमारा भारत है वो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है तो तीन हजार तीन सौ तेईस किलोमीटर की जो है बॉर्डर साझा करता है इंडिया पाकिस्तान ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन व्हिच कंट्री इज फर्स्ट नाटो कंट्री टू प्रोवाइड फाइटर जेट टू यूक्रेन दोस्तों यूक्रेन को लड़ाकू जेट प्रदान करने वाला पहला नाटो देश कौन सा देश है क्या वो अल्बेनिया है बेल्जियम है बुल्गारिया है या और पोलैंड है कौन है दोस्तों यहाँ पे कैसा पोलैंड होना चाहिए ओके okay. चले पर पोलैंड पोलैंड कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ठीक है यूक्रेन की कैपिटल क्या है क्यू है क्या दोस्तों दोस्तो, इसकी कैपिटल क्यू ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डुडा ने दोस्तों आने वाले दिनों में चार चार दोस्तों क्या देने की बात की गई है सोवियत युग के मिग ट्वेंटी नाइन लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन भेजने की घोषणा की गई है यह स्थानांतरण पोलैंड का पहला उत्तरी अटलांटिक संधि पर दोस्तों संधि संगठन का सदस्य बना देगा जिसने लड़ाकू जेट विमानों को वितरित किया है दोस्तों स्लोवोकिया ने यह भी कहा है घोषणा की है कि दोस्तों वह वा आने वाले हफ्तों में यूक्रेन को 13 मिग 29 लड़ाकू विमान भेजेगा पोलैंड यूक्रेन पर आकर से पहले भी रूस के खिलाफ सबसे मुखर यूरोपी देशों में से एक था ठीक है रूस को अभी भी पोलैंड के राजनीतिक और राजनीतिक के संदर्भ में देखते हैं ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अच्छा दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि डैश मेंबर स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ नाटो नाटो के कितने मेंबर स्टेट है ये आपको बताना है फटाफट से बताइए कितने दोस्तों जल्दी जल्दी से वर्ल्ड हाँ, वॉर की तरफ जा रहा है ठीक है यहाँ पे थर्टी थर्टी तो बिल्कुल दोस्तों जितने लोग थर्टी कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्टी मेंबर स्टेट है ये आपको याद रखना है नाटो को दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अटल्टिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है ठीक है इसका दोस्तों गठन कब हुआ था चौबीस अप्रैल नाइनटीन को चौबीस अप्रैल नाइनटीन को दोस्तों इसका गठन हुआ था ये आपको ध्यान रखना है इसमें थर्टी मेंबर है ठीक है लास्ट जो मेंबर बना था लास्ट मेंबर वो कौन बना था लास्ट मेंबर बना था नॉर्थ नॉर्थ uh, कौन बना था? बना था था ये आपको ध्यान रखना है ये भी पूछा जा सकता है ठीक है चले आगे की तरफ चलिए दोस्तों थ्री सेवेंटी एट लोग लाइव हैं फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए फोर हंड्रेड के ऊपर लेके चलते हैं चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहा ठीक है मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको मैप में पोलैंड दिखाया गया है कि पोलैंड कहाँ पे है तो पोलैंड देखिए यहाँ पर आपको जो इस कलर का दिख रहा है थोड़ा सा ब्राउन टाइप का ये पोलैंड है ठीक है पोलैंड कितने देशों से लगा हुआ है तो ध्यान से देखिए जर्मनी से लगा हुआ है ठीक है चेक रिपब्लिक से लगा हुआ है स्लोवाकिया से लगा हुआ है फिर उसके बाद यूक्रेन से लगा हुआ है बेलारूस से लगा है और ये रशिया वाला जो पार्ट जिसको रशिया अपना मानता है उससे लगा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यहां पे कितने देशों से लगा हुआ है छह देशों से लगा हुआ है पोलैंड और पोलैंड के जस्ट ऊपर ही आपको बाल्टिक सी देखने को मिल रही है क्या मिल रही है बाल्टिक सी ठीक है याद रखेंगे आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे वेयर विल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी नियोट जिसको आप लोग कहते क्या कहते हो क्या ऑफ एन एमिशन फ्री डेसिलिनेशन प्लांट राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान उत्सर्जन मुक्त विलवीकरण संयंत्र कहां स्थापित करेगा अंडमान निकोबार गोवा लक्षदीप या फिर केरला

एक लाख लीटर पीने योग्य पानी प्रदान करता है डि, जनरेटर सेट द्वारा संचालित होते हैं और नियोट लो टेम्परेचर थर्मल डिसलिमिनेशन तकनीक का उपयोग करेगा ठीक है वर्तमान में लक्षद्वीप समूह में पांच विलवीकरण संयंत्र कार्यत है आने वाले महीनों में चार और के कार्य करने की उम्मीद है ठीक है प्रस्तावित जो है आत्मनिर्भर संयंत्र दसवां इस वर्ष के अंत में तैयार होने की उम्मीद है आगे बढ़ते हैं यहां पे दोस्तों पूछा है हु इज द प्रेजेंट लुटिनेंट गवर्नर ऑफ लक्षद्वीप दोस्तों से बताइए कि Governor के कौन है हाल ही में जल्दी से बताएंगे से बताइए अभी तक किसी का भी नहीं आया है आ मनोज जी नहीं है प्रफुल पटेल अजय जी ने बिल्कुल सही बताया है दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रफुल पटेल जो है वो दोस्तों क्या है यहां के यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये याद रखेगा लक्षदीप की कैपिटल क्या है का, 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 कावरत्ती है क्या दोस्तों कावरत्ती ये भी आपको याद रखना है लक्षदीप स्मॉलेस्ट आइलैंड है भारत का ठीक है स्मॉलेस्ट आइलैंड है ये कैसा आइलैंड है ये कोरल आइलैंड है कैसा है दोस्तों कोरल आइलैंड है ठीक है लक्षद्वीप दोस्तों छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है तो कितने आइलैंड से मिलकर बना है तो दोस्तों थर्टी सिक्स आइलैंड से मिलकर बना है और अभी हमने बात की कि स्मॉलेस्ट आइलैंड है तो कितना है तो इसको दोस्तों पूरा अगर हम एरिया देखते हैं तो थर्टी टू किलोमीटर स्क्वायर इसका सिर्फ एरिया है ये आपको ध्यान रखना है ये पूछ लिया जाता है ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं तो जो आपको ध्यान रखनी है तो प्रफुल पटेल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है लक्षद्वीप के ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैप में देखने को मिल रहा है लक्षद्वीप बहुत छोटा सा दिख रहा होगा का, यहां पर कावरत्ती है उसकी कैपिटल है देखिए इसके अलग अलग आइलैंड है यहां पे दोस्तों आइलैंड है फिर यहां पर है फिर फिर पर पर है फिर यहां पर है तो ऐसे करके दोस्तों जो आइलैंड आइलैंड है है उनसे मिलकर मिलकर सॉरी से ये मिलकर बना हुआ लक्षद्वीप ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच स्टेट हैज गॉट द इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2023 मार्च 2023 में किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिकल ट्रेन मिली है क्या वो मेघालय है मणिपुर है मिजोरम है या फिर त्रिपुरा है जल्दी से बताइए फटाफट से बताएंगे यहां पे करेक्ट आंसर ठीक है हाँ जी बहुत बढ़िया यहाँ पे जितने लोग कह रहे हैं सर मेघालय मेघालय उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एन जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ठीक है ने घोषणा की है कि मेघालय को मार्च दो में पहली बार इलेक्ट्रिकल ट्रेन मिली है ठीक है एन ने पंद्रह मार्च दो को यहाँ पे धुदनाई मेन्दिन पाथर लाइन सेक्शन और अभ्यपुरी पंचरत्न डबल लाइन सेक्शन का विद्युतीकरण पूरा कर दिलिया है और यहां पे मेहंदी पाथर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो 2014 से परिचालन में है ठीक है जीवाश्म ईंधन से बिजली की ओर जाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के अलावा इस क्षेत्र में रेलवे प्रणाली को दक्षता में भी सुधार होगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों आपको यहां पर मेघालय देखने को मिल रहा है मेघालय कितने राज्यों से लगा है वो बात कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों असम से लगा हुआ है ठीक है तो असम से यहां ऊपर यहां पे लगा हुआ है असम से वहां भी लगा हुआ है तो एक राज्य हो गया ठीक है वन स्टेट से लगा हुआ है और नीचे जो है बांग्लादेश से लगा है मतलब वन कंट्री से है ठीक है किससे है वन स्टेट से है वन कंट्री से है ठीक है स्टेट कौन सा है तो दोस्तों स्टेट असम है इसको दोस्तों देखिए असम ने यहां से घेरना स्टार्ट किया है पूरा वहां तक घेर के गया है बांग्लादेश ने यहां से घेरा है यहां तक घेरा है तो मतलब एक राज्य और एक देश से ये घिरा हुआ है ठीक है आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेम द नेशनल पार्क सिचुएटेड इन मेघालय दोस्तों मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है ये आपको बताना है फटाफट फड़ से बताएंगे दोस्तों दो उद्यान बहुत ही फेमस है मेघालय के उनके नाम क्या है वो आपको बताना है नोकरेक और यहाँ पे रजनी ने बताया है बालपक्रम बहुत बढ़िया यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नोकरेक ठीक है और दूसरा कौन सा हो जाएगा बालपक्रम क्या हो जाएगा बाल वक्रम हो जाएगा नेशनल पार्क मेघालय की अगर मैं बात करता हूं यहां के सीएम कौन है यहां के सांगमा सांगमा है 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 कौन ठीक है ये आपको याद रखना है अच्छा यहाँ के गवर्नर कौन है फागू चौहान है क्या दोस्तों फागू चौहान जी सभी लोग बताएंगे यस और नो अगर यस है तो आगे बढ़ेंगे नो है तो फिर आप बताएंगे कमेंट करके ठीक है जल्दी जल्दी से ठीक है और अगर हम बात करें मेघालय की कैपिटल क्या है शिलोंग है क्या दोस्तों शिलोंग है ये भी याद रखेगा यहां पे दोस्तों आपको तीन जनजातियां बहुत मिलेंगी तीन जनजातियां कौन कौन सी गारो ठीक है जैंतिया और <coughs> मतलब खासी है ना तीन तीन और इन्हीं जनजातियों पे दोस्तों आपको याद होगा पहाड़ों के नाम रखे गए गारो जयंतिया खासी ठीक है यहाँ पे दोस्तों त्यौहार मनाए जाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कुछ त्यौहार आपको बहुत फेमस हैं जो पूछ लिए जाते हैं तो ये कुछ स्टैटिक वाला पार्ट है जो आपके एग्जाम पूछा जाता है आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है और इसको दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं किस निकनेम किस निकनेम से जानते हैं मेघालय को तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है किस निकनेम से जानते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला आपके लिए ये रहा। नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? आर रचना, मेघनाथ देसाई और पवन सी लाल कौन है दोस्तों फटाफट बताइए पर कई लोगों ने आंसर दे दिया है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया लेकिन वो दोस्तों होमवर्क था ऐसे कैसे चलेगा हा? ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर कह रहे हैं रचना रावत रचना रावत तो बिल्कुल रचना बिस्त रावत जो है तो याद रखेगा कैसे याद करेंगे देखिए रावत जी के ऊपर किसने लिखी है रचना रावत जी ने लिखी है ठीक है इस तरीके से याद कर लीजिए आगे बढ़ते हैं अच्छा दोस्तों यह पुस्तक जो है जनरल रावत के जीवन व्यक्तिगत और सिद्धांतों पर केंद्रित है जिन्होंने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सी के रूप में कार्य किया है दो में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका जो है दुखद निधन हो गया था ठीक है यहाँ पे पुस्तक जो है जो रैंडम हाउस इन प्रिंट के Penguin वीर द्वारा प्रकाशित की गई है ठीक है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है पेंगुइन वीर के द्वारा प्रकाशित पेंगुइन एक्चुअली पेंगुइन रैंडम हाउस जो है वो है यहां पे जो प्रिंट करता है जो पब्लिश करता है तो वो आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अच्छा दोस्तों यहाँ पे सी की बात हुई है तो फर्स्ट सी तो बिपिन रावत जी थे सेकंड सी जो है दोस्तों 2022 में बने थे वो कौन बने थे अनिल चौहान जी कौन बने थे अनिल चौहान जी इनका नाम याद रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उस पर बढ़ेंगे तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए रहा हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयर ऑफ द कम्युनिटी बॉन्ड टास्क फोर्स ठीक है कम्युनिटी एज पार्ट ऑफ द 2024 कैपिटल बॉन्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस किसको 2024 कैपिटल बॉन्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस के हिस्से के रूप में कम्युनिटी बॉन्ड टास्क फोर्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरुण अग्रवाल राजेश मल्होत्रा अश्विनी कुमार और शैलेश पाठक जल्दी से बताइए यहाँ पे अरुण अग्रवाल अरुण अग्रवाल कह रहे तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे अरुण अग्रवाल इज दी करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है मतलब थोड़ा सा डिटेल पहले चल लेते हैं वह 2024 कैपिटल बॉन्ड प्रोग्राम में परियोजनाओं की समीक्षा और चयन में डलास नगर परिषद और शहर के कर्मचारी की सहायता करने के लिए पंद्रह सदस्यीय समूह सीबीटीएफ समिति के नेतृत्व करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं इन मार्च ट्वेंटी द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड विच ऑफ दी फॉलोइंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू पे एन एनवायरमेंट कंपनसेशन ऑफ रुपीज हंड्रेड करोड़ मार्च एनजीटी ने निम्नलिखित में सौ करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है अहमदाबाद म्युनिसपल कॉर्पोरेशन सूरत मुनिसपल कोची मुनिस मुंसिपल कॉर्पोरेशन किसको दिया गया है कोची कोची तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कोची मुंसिपल कॉर्पोरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों ठोस कचरे को संभालते और में विफल रहने के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए इस पर जुर्माना लगाया गया ठीक है केरल में दोस्तों इसके लिए इन पर जुर्माना लगाया सौ करोड़ का दोस्तों पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वे, वेल शामिल थे पीड़ितों के सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने सहित आवश्यक उपचारात्मकता उच सॉरी उपचारात्मक उप, उपायों के लिए एक महीने के भीतर दक्षिणी राज्य के मुख्य सचिव के पास राशि जमा करनी होगी कितनी सौ करोड़ ठीक है अब देखिए दोस्तों म्युनिसिपल की बात आई है म्युनसिपैलिटी की बात आई है तो म्युनिसिपल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे भारतीय संविधान में किस दोस्तों भाग में है तो भाग याद रखेगा भाग नौ नाइन ए में है ठीक है किस संशोधन से इसको जोड़ा गया था तो सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया था चौहत्तरवा संवैधानिक संशोधन उन्नीस ठीक है यह भी आपको याद रखना है आपसे पूछा जाए किस अनुसूची में है किस स्केड्यूल में है तो ट्वेल्थ स्केड्यूल में है किसमें दोस्तों ट्वेल्थ स्केड में है कितने सब्जेक्ट सब्जेक्ट है इस 18 है इसमें भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह कुछ पार्ट है दोस्तों जो आपसे पूछ लिया जाता है खासकर पॉलिटी वाले पार्ट में ठीक है म्यूनिसपालिटी Municipal, uh, से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं दोस्तों थ्री थ्री हंड्रेड एटी फाइव लोग लाइव है, लो है फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हैजीन सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एज अ स्टेचुरी बॉडी कैसी बॉडी है दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है स्टेचुरी बॉडी है और इसको कब स्थापित किया गया था 2010 में कब किया गया था टू में किया गया था ये आपको ध्यान रखना है ये इसका काम क्या है दोस्तों इट डील्स विद द एनवायरमेंट केस दोस्तों एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी केस होते हैं ठीक है थेके? उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है डिसीजन लेना है वो यहां पर ये यह डिसाइड करते हैं ठीक है इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टू सेट अप सच अ बॉडी टू डील विद द एनवायरमेंट दोस्तों भारत जो है तीसरा जो दे, तीसरा देश बना है विश्व में जिसने इस तरह का कोई एक दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैं कहूँ एक तरीके की कम्युनिटी फा, दोस्तों फाउंड की है जो कि एनवायरमेंट के लिए देख कर रही है राइट तो ये या आपको याद रखना न्यूजीलैंड के बाद भारत है। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों लैंस रेडिक पास अवे इन मार्च 2023 ही वाज़ अ फेमस मार्च 2023 में लांस रेडिक का निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध डैश थे डॉक्टर लॉयर एक्टर और पॉलिटिशियन कौन थे दोस्तों वो एक्टर 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 तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वो एक्टर थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वह प्रशंसित टेलीविजन नाटक द वायर एक दोस्तों पुलिस प्रमुख के रूप में अपनी कमांडिंग उपस्थ यहाँ पे उपस्थिति और जॉन विक एक्शन फिल्म श्रृंखला में अपने सहायक कार के लिए जाने जाते हैं ठीक है जॉन विक अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें उन्होंने दो में एक जैज एल्बम आ, अगर हम बात करते हैं कंटे सॉरी एंड रिमेंबरेंस

कहां पे किया गया है हरिद्वार हरिद्वार कह रहे हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे हरिद्वार करेक्ट आंसर हो क्या होगा दोस्तों हरिद्वार इज दी करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम का समापन 19 मार्च को होगा यहाँ पे संगोष्ठी को केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने संबोधित किया है सरकार ने पशुओं के उपचार में आयुर्वेद के उपयोग को मान्य करने के लिए पहल शुरू की है इस विषय को विभिन्न विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों आयुर्वेद किस तरीके से दोस्तों पशु को हेल्प कर सकता है दोस्तों यूमन के लिए तो आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जा रहा है कैसे हम वेटनरी के लिए यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है या उसके लिए जागरूकता फैलाई जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं इन मार्च 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द सेटिंग अप हाउ मेनी पीएम मित्र पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल मेगा टेक्सटाइल पार्क मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने पीएम मित्र पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है 4 5 6 और 7 कितने दोस्तों सेवन 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 तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेवन यहाँ पर दोस्तों बात की गई है ठीक है आगे बढ़ते दोस्तों, मित्र, किस तरीके से दोस्तों सेक्टर को वो हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे दोस्तों अप्रूव सेवन मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंडल मित्र पार्क दोस्तों सेवन रीजन में इसको दोस्तों बढ़ाया जा रहा है अब वो कौन कौन से वो बात करेंगे देखिए सेवन मित्र पार्क विथ अ टोटल आउटले ऑफ फोर करोड़ रुपीज पीरियड ऑफ फाइव ईयर पांच वर्षों के भीतर दोस्तों सात जो यहाँ पे मित्र स्कीम के तहत सात पार्क है उनको दोस्तों एस्टेब्लिश किया जाएगा कितनी लागत के साथ चार हजार चार सौ पैंतालीस करोड़ की लागत के साथ पांच वर्षों में ठीक या है ये आपको याद रखना है दूसरा दोस्तों वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों वर्ल्ड क्लास की जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी ठीक है जिससे दोस्तों यहां पे क्या कर सके हम अट्रैक्ट कर सके अपने इन्वेस्टमेंट को ठीक है कि इन्वेस्टर आए और यहां पे इन्वेस्ट करें ठीक है फिर उसके बाद दोस्तों जनरेशन ऑफ सेवन लैख डायरेक्ट एंड फोर्टी लैख ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब इससे दोस्तों सात लाख जो है दोस्तों डायरेक्टली जो है बेरोजगार जो मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी और दोस्तों चौदह लाख जो है इनडायरेक्ट ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा आगे बात करते हैं तो पी, यहां पे और चीजें क्या देखने को मिल रही है तो इट विल फाइव एफ पावर फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है किस तरीके से हम फार्म से फाइबर बनाएंगे फाइबर से फैक्ट्री तक ले जाएंगे फैक्ट्री से फैशन में लाएंगे और फैशन से फॉरेन में तो ये पांच एफ पे वर्क करेगा फाइव एफ पावर ठीक है फिर इनेबल स्पिनिंग वीविंग प्रोसेसिंग डाइंग प्रिंटिंग गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और एट वन लोकेशन एक ही जगह पे दोस्तों किस तरीके से हम वीविंग कर सकते हैं प्रोसेसिंग कर सकते हैं डाइंग कर सकते हैं प्रिंटिंग कर सकते हैं उस पर ये बात करेंगे ठीक है और ये क्या करेगा रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ लोकेटिंग एंटायर वैल्यू ऑफ चेन एट वन लोकेशन ये क्या करेगा दोस्तों अभी अलग अलग जगह यहां पे वीविंग होती है अगली जगह पे कलरिंग होती है फिर उसके बाद दोस्तों प्रिंटिंग होती है दूसरी जगह तो दोस्तों कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाते हैं बट ये क्या होगा जैसे एक ही जगह पर आ जाएगा तो जो अलग अलग जगह वाले लोकेशन के जो चार्जेस लगते थे अलग अलग जगह पर जाने के वो नहीं लगेंगे ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं मित्र पार्क विल बी सेट ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइट लोकेटेड इन डिफरेंट विलिंग स्टेट दोस्तों इसको ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड की जगह पे लोकेट किया जाएगा ठीक है वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाएंगे और साथ में सपोर्ट वर्थ करोड़ टू ऑल एंड हंड्रेड करोड़ टू ब्राउनफील्ड मित्र पार्क फॉर डेवलपमेंट ठीक है उसके लिए दोस्तों अलग से पांच करोड़ रुपए करोड़ और दो करोड़ दिए जाएंगे जहां पे ग्रीन और ब्राउन की तरफ बनाया जाएगा राइट सपोर्ट वर्थ रुपीज ऑफ थ्री करोड़ टू ऑल मित्र फॉर कंपिटेटिवनेस इंसेंटिव टून्यूफरशिपिंग ऑफ सेल्प इंडियन टू इमर्ज एस ग्लोबल चैंपियन ठीक है जो इंडियन कंपनी है उनको बढ़ावा देगा कि वो दोस्तों ग्लोबल मार्केट में फाइट कर सके राइट चले आगे चले आगे बढ़ते हैं ओ हो 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 दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्त जहाँ पर आज हमने दोस्तों क्या किए हैं हमने शुरुआत की थी दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट डे से फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने किया था प्रीवियस डे पे जो क्वेश्चन होमवर्क थे आपके दो क्वेश्चन उसके आंसर किए थे फिर उसके बाद हमने प्रीवियस डे के क्वेश्चन के, के रिविज़न किए हैं फिर फाइव इंपॉर्टेंट जो हैं दोस्तों न्यूज़ उस न्यूज़ पर हेडलाइंस और हेडलाइंस पे दोस्तों क्विजेस किए हैं और क्विजेज दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ विथ ऑल स्टेटिक जीके जो बन सकते हैं ठीक है और अब हम आ चुके हैं सीखने वाली बात में सीखने वाली बात में दोस्तों हम लोग हमेशा बात करते हैं अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एनवायरमेंट जो भी पी मित्र स्कीम है वो भी क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर टेक्सटाइल को तो बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ ग्रीन फील्ड की भी दोस्तों यहाँ पर क्या की जा रही है देख की जा रही है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए काम किया जा रहा है जो नहीं रख रहा है उसके लिए दोस्तों संस्था भी बनी है कुछ जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसने केरला पे सौ करोड़ रुपए का दोस्तों क्या किया है तरीके से जुर्माना लेना सही समझा है क्योंकि वहां पे दोस्तों पॉल्यूशन जो हुआ है ठीक है तो हमें लगता है कि दोस्तों एनवायरमेंट जो है दोस्तों अभी कई राज्यों में बारिश हो रही होगी ठीक है अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस स्टेट से हो ठीक है तो क्योंकि कई राज्यों में बारिश हो रही है ठीक है राजस्थान महाराष्ट्र एम यूपी बिहार ठीक है और इवन कई जगह तो लाइट्स भी नहीं है ठीक है तो कई राज्यों में तो अब ऐसा कैसे होता है कि मतलब अचानक से इतना क्लाइमेट कैसे बदल गया कभी दोस्तों ये गर्मी का समय हुआ करता था तो कभी ठंडी का समय हो रहा है तो कभी बारिश का समय तो ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी है जो दोस्तों बीमारी का भी दोस्तों कारण बनती है ठीक है बिहार में भी है उड़ीसा में भी है ठीक है तो एक बार दोस्तों सब लोग बताएं जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर जब वहाँ आंसर करते हो ना तो वहाँ पे बताइएगा कि आप किस राज्य से हो तो पता तो चले कि हमारे मित्र किस किस राज्य से बिलोंग करते हैं ठीक है अच्छा तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं तो अभी हम मुझे ऐसा लगता है और अ, स, मुझे नहीं सबको लगता होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे पर्यावरण में दोस्तों हम लोग कटनी कर रहे हैं मतलब कटनी मतलब खत्मा खात्मा कर रहे हैं उसी तरीके से दोस्तों क्लाइमेट में भी चेंजेस देखने को मिल रहा है तो ये मुझे लगता है रोकना चाहिए और यहाँ पे जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जिससे कि जो पहले जिस तरीके से हमारा वेदर क्लाइमेट हुआ करता था वो हो जाए अदरवाइज़ देखिए गर्मी के समय में बारिश हो रही है बारिश के समय में ठंड आ रही है तो बहुत गलत है ये ठीक है आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो सभी लोग बताइएगा दोस्तों क्या आप लोग पेड़ वेड़ लगाते भी हो और दूसरी चीज बताइएगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हो ठीक है चले अच्छा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ओके ठीक है एम बालाघाट से बिलोंग करते हैं ठीक है बहुत बढ़िया चले अच्छा दोस्तों ये फिर उसके बाद हम लोग और फिर उसके बाद यहां पर विच अरेस्ट वारंट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट संगठन ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है सेकेंड क्वेश्चन है विच टू प्लेस कनेक्ट इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इनग्रेटेड ऑन एटीन मार्च ठीक है अठारह मार्च को उद्घाटन की गई भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन को कौन से दो स्थान जोड़ते हैं ठीक है ये दो क्वेश्चन होमवर्क है अच्छा इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे पे कैसे मिलेगी आपको टेलीग्राम जाना है सर्च पर रेट गौरव सर टेक्स बुक वहां पे मिल जाती है यूट्यूब के अपडेट्स होते हैं ठीक है डिस्कशंस होते हैं क्विजेस होते हैं या फिर आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हो या डायरेक्टली सर्च कर सकते हो गौरव मौर्य ठीक है तो ये भी सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं मैं आपको लिंक दे देता हूं ये लिंक आपको लाइव चैट पे और ये लिंक दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जिससे आप लोग वहां पर डायरेक्टली जुड़ के क्या कर सकते हो पी वगैरह कलेक्ट कर सकते हो राइट right? ठीक है चलिए अच्छा दोस्तों चलिए यहाँ पे देख लेते हैं होमवर्क किसने किसने किया हुआ है ठीक है और प्लेलिस्ट लिस्ट कहाँ पर आपको मिल जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो सिंपली आपको क्या करना है यूट्यूब पे जाना है यूट्यूब पे जाने के बाद सुपर कोचिंग एसएससी रेलवे बाय टेक्सट बुक ठीक है यहाँ पे किस में जाएंगे हम लोग सुपर कोचिंग एस एस रेलवे बाय टेक्स बुक पे जाएंगे और यहां पर जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोग नीचे स्लाइड करके थोड़ा सा आएंगे स्क्रॉल करके तो देखिए यहां पर आपको करेंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिल जाती है यहां पे कल की क्लास है परसों की क्लास है सरसो तरसो सबकी क्लास है ठीक है और फिर उसके बाद देखिए यहां पर एस एस की आप तैयारी कर रहे हो तो एम के लिए जी के गौरव सर यहाँ पे इंग्लिश है यहां पर रीजनिंग है सारी क्लास आई दोस्तों आई की क्लासेस है यहां पर ठीक है और आई दोस्तों आपको एग्जाम पता है आने वाला तेईस चौबीस को एग्जाम है तो कल उसके लिए मैराथन भी होने वाली है ठीक है तो कल मैराथन दो से चार दोस्तों

यहाँ पे स्विट्जरलैंड बहुत बढ़िया यहाँ पे देखिए सात लाइक भी मिले इनके आंसर को फिर इंदु जी ने किया है थैंक यू सर वेलकम इंदु जी फिर उसके बाद एस इंडिया है ठीक है स्विट्जरलैंड है ओके फिर उसके बाद यहाँ पर कविता जी ने आंसर किया है बहुत बढ़िया कविता जी आर्या जी बहुत ही बढ़िया शीतल जी ने आंसर किया है ओके प्रवीण कौर जी ओके दोस्तों यहाँ पे प्रवीण जी कह रहे थैंक यू सो मच ऑलवेज वेलकम सर मैंने जितनी भी आपकी क्लासेस अटेंड करी हैं आज वाली क्लास मुझे सबसे अच्छी लगी है बिकॉज आज आपने हमारे गुरु गो गोविंद सिंह जी के बारे में बात की जो मुझे बहुत अच्छा लगा वी आर सिख सर थैंक यू सो मच ठीक है प्रवीण जी ऑलवेज़ वेलकम ठीक है और उसके बाद भूमि जी बोल रहे हैं भूमि जी ने आंसर किया है ठीक है इंडिया और स्विट्ज़रलैंड ठीक है ओके आ, विमल जी ने आंसर किया है ठीक है इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड बहुत ही बढ़िया फिर कंचन जी ने आंसर किया है आकाश जी ने आंसर किया है सृष्टि जी थैंक्स ए लॉट वंडरफुल सेशन ओके वेलकम सृष्टि जी uh, यहाँ पे विच कंट्री एस सी ओ इंडिया एंड क्रेडिट जूरिक बहुत बढ़िया वेरी गुड फिर उसके बाद यहाँ पर दिशा जी ने आंसर किया है सूर्य कुमार यादव इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा एंड अर्बन गबरू बहुत ही बढ़िया दिशा जी ठीक है और फिर उसके बाद थैंक यू सर फॉर द सेशन क्रेडिट द ठीक है स्विट्जरलैंड ठीक है बहुत ही बढ़िया uh, कामिनी जी फिर उसके बाद है मनीषा जी ने आंसर किया है uh, सर मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि हमें एक ही टॉपिक पर परेशान नहीं होना चाहिए हमें कौन सा उस पर पी करनी है ये लाइन हमेशा भाई मुझे बोलते हैं आई मिस माई ब्रदर मेरे भैया ट्रेनिंग पर है ठीक है मनीषा जी बहुत अच्छी बात है ठीक है जिस तरीके से आपके भैया अभी आज ट्रेनिंग पे है आप भी कल सिलेक्शन लेके ट्रेनिंग पे जाओगे और सही बात है दोस्तों जब आप तैयारी कर रहे हो ना तो स्मार्ट वर्क करना है हमें हमें उसमें नहीं इतना घुस जाना है कि हमें पी करनी है एक साल तक दो साल तक लगे रहना है हमें सिलेक्शन चाहिए हमें अगर हमने छः महीना डिसाइड किया तो छः महीने में हमारा होना चाहिए सिलेक्शन ऐसा नहीं कौन कहता है कि पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता बहुत से लोग पहली बार में सिलेक्शन लेते हैं बस पहली बार में सिलेक्शन लेने वाले सिर्फ वो होते हैं जो स्मार्ट तरीके से स्टडी होते हैं, बहुत से लोग होते बहुत डीप में जाते हैं ठीक है अब भाई यूपीएससी करने जा रहे हो तो यूपीएससी के तरीके से पढ़ो एसएससी करने जा रहे हो तो एसएससी के तरीके से बट द वे यू हैव टू फाइंड आउट कि किस वे में आपको पढ़ाई करनी है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं थैंक यू क्रिकेट सर ओके चलिए तो भाई क्रिकेट सर ही बना दो आप लोग मेरे को है ना बहुत बढ़िया चलिए डीजे जी थैंक सेशन एस इंडिया ठीक है स्विट्जरलैंड कार्तिक जी ने आंसर किया है ओके कार्तिक जी प्रेसिडेंसी जोरिक स्विट्जरलैंड ठीक है आ, अमन जी ने आंसर किया है ओके संघई इंडिया ठीक है क्रेडिट ठीक है आ, सुमित जी बहुत ही बढ़िया श्यामू और फिर उसके बाद कौसल्या परविंद महतो ओके बहुत बढ़िया परविंद जी फिर उसके बाद है बंगा राजू थैंक यू राजू वेलकम यहाँ पे बंगा राजू ने फिर सारे आंसर कर दिए हैं जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर धोनी है ना तो देखिए दोस्तों जियो सिनेमा का अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन है ठीक है जियो सिनेमा का फटाफट फड़ से कमेंट करके सभी लोग बताइएगा ठीक है तो दोस्तों ये थे आंसर ठीक है और बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया है इसी तरीके से दोस्तों आंसर करते रहिए और आपको देखिए जिसके भी आंसर लगे लाइक जरूर करिए यहां पे जैसे मैं देख पा रहा हूं निशा आ, इंदु जी के दोस्तों आठ लाइक हैं बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छी बात है जिससे यह भी पता चल रहा है कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आंसर भी लिखा है ठीक है अगर आप कोई भी आता है इसको पढ़ लेता है तो उसको यह पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन का आंसर तो इतना तो है तो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन के आंसर यहीं से उसको मिल जाएंगे ठीक है तो ये एक आदत भी अच्छी होती है जहां पर आप लोग सर्च करते हो राइट जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप सर्च करोगे या तो आपको बन रहा होगा तो या तो आप सर्च करोगे सर्च करोगे तो भी आपको याद हो जाएगा कि अच्छा इसका आंसर तो मैंने ढूंढा था इसका आंसर तो मैंने बताया था ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छा दोस्तों कोर्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं जो अभी आपके लिए ऑफर आया है तो दोस्तों सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिंक ऑफ द कोचिंग है इसको क्लिक करेंगे ये जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पर आपको सारी डिटेल मिलती है जैसे दोस्तों आप अगर एस एग्जाम तैयारी कर रहे हो सी और अदर एस एग्जाम की तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका है जहाँ पर आप दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो पैरामाउंट से परचम क्लास से मैथ मंत्र से अभिनय अभिनय सर से ठीक है तो आप ये दोस्तों सारे फैकल्टीज से पढ़ सकते हो और साथ में दोस्तों आपको ऑफर मिल जाएगा और जिस प्लान पर आप चाहिए वो प्लान पर भी आप ले सकते हो ठीक है उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा और देखिये ट्वेंटी फोर मंथ्स है मंथ्स है सिक्स मंथ है आपको सिर्फ अप्लाई करना है यहां पे जैसे सिक्स नाइन नाइन मंथ का ठीक है सिक्स मंथ के बाद के तैयारी कर रहे हैं हम तो यहां पे कूपन कोड लगाएंगे कूपन कोड क्या लगाएंगे गौरव एम क्या लगाएंगे जी ए यू आर ए वी एम जैसे अप्लाई करोगे ना दोस्तों यहां पे देखिए जो 699 का था वो 649 का हो गया और फिर आप अपनी तैयारी भी कर पाओगे टेस्ट वगैरह दे पाओगे ठीक है चले दोस्तों आ, इस सेशन को फिर यहीं पे करेंगे समाप्त अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए बेल आइकन बटन को दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलता रहे तो मिलेंगे एक नए सेशन के साथ एक नए जोश के साथ तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहिएगा ठीक है बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत